वंदे मातरम बंकिमचंद चटर्जी ने लिखा था, उन्होंने इस गाने को लिखा। लिखने के बाद 7 साल लगे, उसके बाद ये गाना लोगों के सामने आया। क्योंकि उन्होंने जब ये गाना लिखा उसके बाद एक उपन्यास लिखा, उसका नाम था आनंद मठ, उसमें इस गीत को डाला। वो उपन्यास छपने में 7 साल लगे। 1882 में ये आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा बना वंदे मातरम। और उसके बाद जब लोगों ने उस उपन्यास को पढ़ा तो इसका अर्थ पता चला कि वंदे मातरम क्या है। आनंद मठ उपन्यास बंकिमचंद चटर्जी ने लिखा था अंग्रेजी सरकार के विरोध में, और अंग्रेजी सरकार को सहयोग करने वाले उन राजा महाराजाओं के विरोध में जो किसी भी जाति और संप्रदाय के हों लेकिन अंग्रेज सरकार को सहयोग करते। फिर उसमें उन्होंने बगावत की भूमिका लिखी और ये कहा कि अब बगावत होनी चाहिए, विद्रोह होना चाहिए ताकि इस अंग्रेजी सत्ता को हम पलट सके, और इस तरह से वंदे मातरम को सार्वजनिक गान बनना चाहिए, ये उन्होंने घोषित किया। उनकी एक बेटी हुआ करती थी बंकिमचंद चटर्जी थी, जिसका अपने पिताजी से बहुत मतभेद था। मतभेद किस बात पर था? उनकी बेटी कहती थी कि आपने वंदे मातरम लिखा है, इसके शब्द बहुत क्लिष्ट है और बोलने और सुनने वाले की ही समझ में नहीं आएंगे, तो गीत को आप ऐसा सरल बनाइए जो बोलने वाले और सुनने वाले को समझ में आए। तो उस समय बंकिमचंद चटर्जी ने कहा कि देखो, आज तुम्हें लगता है कि ये क्लिष्ट है, लेकिन मेरी बात याद रखो, थोड़े दिन के बाद ये गान भारत के हर नौजवान के होठों पर होगा, हर क्रांतिवीर की प्रेरणा बनेगा। उसके बाद हम सब जानते हैं कि ये घोषणा करने के लगभग 12 साल के बाद चटर्जी जी का स्वर्गवास हो गया, वो जीवित नहीं रहे। बाद में उनकी बेटी और परिवार के लोगों ने ये जो आनंद मठ पुस्तक थी जिसमें ये गान था, इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया। वो पुस्तक पहले बांग्ला में बनी, फिर बाद में उसका मराठी हुआ, हिंदी हुआ, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, बहुत सारी भाषाओं में छपी, और उस पुस्तक ने क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया। उस पुस्तक में क्या था, ये पूरी व्यवस्था का विरोध करें क्योंकि ये विदेशी है, आतताई है, ऐसा वो सब था। उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो लोग सुनकर उबलते थे, जानकर उबलते थे। अंग्रेजी सरकार ने बार बार इस पुस्तक पर पाबंदी लगाई, कई बार इसके बहुत सारे अंश काट छांट दिए, कई बार इसको जलाया गया, लेकिन पुस्तक की मूल प्रति किसी न किसी रूप में सुरक्षित रही, तो ये आगे बढ़ती रही। 1905 में अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। एक अंग्रेज अधिकारी था करजन, उसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल था मुसलमानों के लिए, पश्चिमी बंगाल था हिंदुओं के लिए। हिंदू और मुसलमान के आधार पर यह भारत का पहला बंटवारा था। तो भारत के कई सारे ऐसे लोग जो जानते थे कि आगे क्या हो सकता है, उन्होंने इस बंटवारे का विरोध किया और बंग भंग के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, जो उत्तर भारत में थे, बिपिन चंद्र पाल, जो बंगाल और पूर्व भारत का नेतृत्व करते थे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो पश्चिम और मध्य भारत के बड़े नेता थे। इन तीनों नेताओं ने अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन का एक हिस्सा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करो, अंग्रेजी कपड़े मत पहनो, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और दूसरा हिस्सा था पॉजिटिव कि भारत में स्वदेशी का निर्माण करो, स्वदेशी के पथ पर आगे बढ़ो। लोकमान्य तिलक ने इस आंदोलन को अपने शब्दों में स्वदेशी आंदोलन कहा। अंग्रेजी सरकार इसको बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से कहती रही। लोकमान्य तिलक कहते थे ये हमारा स्वदेशी आंदोलन है। ये 6 साल चला। इस आंदोलन की ताकत इतनी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने कहा वो पूरे भारत ने स्वीकार कर लिया। जैसे उन्होंने ऐलान किया कि अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद करो, करोड़ों भारतवासियों ने अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद कर दिया, और उसी समय भले हिंदुस्तानी कपड़ा मिले, मोटा मिले, खादी का मिले, वही पहनना है। फिर उन्होंने कहा अंग्रेजी ब्लेड का बहिष्कार करो, तो भारत के लाखों नाइयों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया, वो उस तरह हिंदुस्तान में वापस लौटा। फिर लोकमान्य तिलक ने कहा अंग्रेजी चीनी खाना बंद करो, क्योंकि शक्कर उस समय इंग्लैंड से बनकर आती थी, भारत में गुड़ बनता था, तो हजारों लाखों हलवाइयों ने गुड़ डालकर मिठाई बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपील किया कि अंग्रेजी कपड़े से और अंग्रेजी साबुन से अपने घर को मुक्त करो, तो हजारों लाखों धोबियों ने अंग्रेजी साबुन से कपड़े धोना बंद कर दिया। फिर उन्होंने पुरोहितों को कहा कि आप शादी कराओ अगर लड़के लड़कियों की, तो उनके शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र ना हो तभी शादी कराओ,
अगर वो अंग्रेजी वस्त्र पहनकर शादी करें तो शादियों का बहिष्कार करो। तो पुरोहित समाज ने सूट पैंट टाई पहनने वाले दूल्हों का बहिष्कार कर दिया। इतने व्यापक स्तर पर यह आंदोलन फैला। 6 साल के अंदर अंग्रेजी सरकार घबरा गई, क्योंकि उनका माल बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा चौपट हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज सरकार पर दबाव डाला कि हमारा तो सारा धंधा ही खत्म हो गया है भारत में, अब हमको कुछ भी उपाय नहीं है, आप इन भारतवासियों की मांग को मंजूर करो। तो मांग क्या थी? एक मुख्य मांग थी कि बंगाल का जो बंटवारा किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर, ये वापस करो, हमें संप्रदाय के आधार पर बंटवारा नहीं चाहिए। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने झुकना स्वीकार किया और 1911 में डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट कानून वापस लिया गया और बंगाल को फिर से एक किया गया। तब लोकमान्य तिलक को यह समझ में आ गया कि अंग्रेजों को झुकाना है तो इनका बहिष्कार ही सबसे बड़ी उपाय है और ताकत है। ये 6 साल जो आंदोलन चला 1905 से 1911, इस आंदोलन का मूल मंत्र था वंदे मातरम। ये जितने कार्यकर्ता थे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के साथ काम करने वाले, उनकी संख्या 1,20,00,000 से ज्यादा थी। वो हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गाते थे, कार्यक्रम के अंत में भी वंदे मातरम गाया जाता था। बाद में क्या हुआ कि 1911 में लोकमान्य तिलक और इन सब लोगों के दबाव में, और बंगाल में इतना जबरदस्त आंदोलन हो गया, उसके दबाव में अंग्रेजों की सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अब हम कलकत्ता में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बंगाल इस आंदोलन का केंद्र था। तो उन्होंने अपने को सुरक्षित करने के लिए कलकत्ता से भागकर दिल्ली में शरण ली और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा काम किया कि भारत के लोगों को शांत करने के लिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से भरे हुए थे, अंग्रेजी राजा को भारत में आमंत्रित किया। जॉर्ज पंचम भारत में आया सन 1911। अब जब जॉर्ज पंचम भारत में आया तो इन अंग्रेज अधिकारियों ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखवाया और उस गीत का नाम है जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, क्योंकि इस गीत के सारे शब्द अंग्रेजी राजा जॉर्ज पंचम की स्तुति का गान है। जनगण मन अधिनायक, अधिनायक माने सुपर हीरो, भारत की जनता है, भारत के जो लोग हैं उनके तुम सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो, माने कौन? जॉर्ज पंचम। इस गीत को जिन्होंने लिखा वो थे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे पास है जो कभी समय आने पर मैं टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाने वाला हूँ। उस चिट्ठी में उन्होंने अपने बहनोई को लिखा है जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लंदन में रहते थे, आईसीएस ऑफिसर थे, उनको उन्होंने लिखा है कि ये गीत मेरे ऊपर अंग्रेज अधिकारियों ने दबाव डलवा कर लिखवाया है वंदे मातरम के पैरेलल, क्योंकि उस समय भारत में हर जगह उद्घोष था वंदे मातरम का, हर क्रांतिवीर गाता था वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम को और ज्यादा लोकप्रियता तब मिली जब भारत का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर चढ़ा तो वंदे मातरम कहते हुए चढ़ा। उसके बाद तो सभी क्रांतिकारियों ने इसको बना लिया कि फांसी पर जाएंगे तो वंदे मातरम गाएंगे, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्ला हो, चाहे ऊधम सिंह हो, चाहे सचिंद्रनाथ सान्याल हो, चाहे कोई भी हो, सबने फांसी पे चढ़ने को स्वीकार किया वंदे मातरम के घोष से। अंग्रेजों को इससे बहुत चिढ़ होती थी, तो अंग्रेजों का ये कहना था कि इसके पैरेलल कोई गाना प्रचारित किया जाए। और उस समय 1911 में, आपको मैं ऐतिहासिक जानकारी दे रहा हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार अंग्रेजों के बहुत नजदीक था। रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार के ज्यादातर लोगों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। उनके बड़े भाई जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सालों तक कलकत्ता डिवीजन के डायरेक्टर रहे। काफी पैसा उनके परिवार का ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा था, तो अंग्रेजों से बहुत सहानुभूति थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये सहानुभूति खत्म हुई 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गाली देते हुए कहा कि अभी भी तुम्हारे आंखों से अंग्रेजियत का पर्दा नहीं उतरता तो कब उतरेगा, तुम अंग्रेजों के इतने चाटुकार कैसे हो गए, तुम इनके इतने समर्थक कैसे हो गए। आप जानते हैं 1911 में ये गान जब लिख दिया तो उन्होंने अपने बहनों को कहा कि ये गान तो मैंने अंग्रेजों के कहने पर लिखा है, शब्दों का अर्थ अच्छा नहीं है, इसलिए कृपया इसको न गाया जाए तो अच्छा है। लेकिन अंत में एक लाइन लिख दिया कि ये चिट्ठी किसी को न दिखाएं क्योंकि मैं सिर्फ आप तक ये सीमित रखना चाहता हूं, कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो जरूर सबको बताएं। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई।
तब बनर्जी साहब की कृपा से ये चिट्ठी लोगों के सामने आई, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, और उन्होंने पूरे देश को कहा कि जनगण मन को ना गाया जाए। उसी बीच में कांग्रेस पार्टी थोड़ी उभर चुकी थी और एक बड़ा संगठन बन चुकी थी। कांग्रेस में जब तक लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, तब तक वंदे मातरम ही गाया गया। बाद में आप जानते हैं कि लोकमान्य तिलक का कांग्रेस के नेताओं से मतभेद हुआ, और कांग्रेस के नेताओं में उनका सबसे ज्यादा मतभेद हुआ पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी की योजना ये थी कि अंग्रेजों के साथ कोई संयोजित सरकार बने, कोलिशन गवर्नमेंट, और उसके लिए वो बार बार कहते थे, और लोकमान्य तिलक कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत के लोगों को धोखा देना है। तो इस मुद्दे पर मतभेद था, तो ये कांग्रेस से निकल गए। तो फिर इन्होंने एक गरम दल बनाया, तो कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, एक नरम दल एक गरम दल। गरम दल के लीडर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब बड़े कांग्रेस के लीडर थे, तो ये हर जगह वंदे मातरम गाते थे। फिर ये नरम दल वाले ज्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते थे, अंग्रेजों की कहना, अंग्रेजों की सुनना, उनके नजदीक जाना, उनकी मीटिंगों में शामिल होना वगैरह वगैरह, और वो हर समय अंग्रेजों से समझौते के मूड में रहते थे। तो जब 1911 में ये गाना लिख दिया तो ये नरम दल वालों ने इस गाने को गाना शुरू कर दिया। कई बार ये गरम दल वालों को चिढ़ाने के लिए गाना गाया करते थे। बाद में क्या हुआ, कांग्रेस के बड़े बड़े अधिवेशन हुआ करते थे, उनमें ये बहुत बहस होती थी कौन सा गाना गाया जाए, तो वंदे मातरम पर सबकी सहमति होती थी, लेकिन नरम दल का छोटा सा एक गुट था जो अंत में फिर जनगणमन गा लेता था। बाद में क्या हुआ कि ये नरम दल के कुछ खुराफाती लोगों ने एक वायरस छोड़ दिया, और वो वायरस ये छोड़ दिया कि ये मुसलमानों को नहीं गाना चाहिए क्योंकि इसमें बुत परस्ती है, माने बुत की पूजा है। मुसलमानों को आप जानते हैं कि बड़ा करंट लगता है ये सुनते ही, तो बिना सोचे समझे उनको करंट दौड़ गया। तो जो मुस्लिम लीग के नेता थे, चूंकि मुस्लिम लीग 1906 में बन चुकी थी और उसी के कहने पर बंगाल का विभाजन भी हुआ था, तो मुस्लिम लीग के नेताओं में करंट दौड़ गया। मोहम्मद अली जिन्ना जब इसके प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि वंदे मातरम सांप्रदायिक गाना है, हम इसे नहीं गाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि दुश्मनी निकालने के लिए जहां भी वंदे मातरम गाया जाता था वहीं पर जनगणमन गाते थे, जहां वंदे मातरम होता था वहीं जनगणमन होता था। तो एक तरह से जनगणमन और वंदे मातरम में कंपटीशन शुरू करा दिया। अंत में ये कंपटीशन इतना आगे बढ़ा कि 1941 में जब टैगोर जी मर गए तो भी ये सत्य उद्घाटित होने के बाद भी मुस्लिम लीग ने कहा हम तो यही गाएंगे। अब अंत में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ 1947 में, इसी झगड़े के साथ कि वंदे मातरम की जनगणमन, वंदे मातरम की जनगणमन। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस हुई जिसमें 319 लोग थे, इन सभी में एक को छोड़कर सबने माना कि वंदे मातरम ही होना चाहिए राष्ट्रगान। एक ने नहीं माना, वो एक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों को इससे दुख होता है, उनके दिल को चोट पहुंचती है, तो हम क्यों गाएं इसको। माने हिंदुओं के दिल को चोट पहुंचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों के दिल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और नेहरू जी कहते थे कि इस समय मुस्लिम लीग की राजनीति चल रही है, भारत का बंटवारा किया है, इसका तोड़ करने के लिए मुसलमानों को साथ रखना जरूरी है, तो उनकी इन बातों को मान लेना ही अच्छा है। तो नेहरू जी बार बार यही तर्क देते थे। अंत में क्या हुआ कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कहा जी हमको तो ये बैठता नहीं है जनगणमन, तो फैसला कौन करे। तो गांधी जी के पास पहुंचे, तब तक गांधी जी जीवित थे, तो गांधी जी ने कहा कि जनगणमन के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं और तुम वंदे मातरम के पक्ष में नहीं हो, तो कोई तीसरा गाना निकालो। तो उन्होंने कहा आप ही निकाल के दे दो। तो गांधी जी ने एक गाना निकाल के दिया जो हमारा बाद में झंडा गान था, उसके पहले वो झंडा गान नहीं था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे आन भले ही जाए। ये जो गाना था गांधी जी ने कहा इसको बना लो, तो नेहरू जी उस पर भी तैयार नहीं। अब नेहरू जी का तर्क क्या था, नेहरू जी का तर्क था कि ये गाना ऑर्केस्ट्रा पे नहीं बज सकता और जनगणमन ऑर्केस्ट्रा पे बज सकता है, और जनगणमन आप जानते हैं अंग्रेजों का लिखवाया हुआ गीत था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। इसके एक एक शब्द को ध्यान दें, जनगणमन अधिनायक जय, तुम्हारी जय हो, भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना जंगा उच्छल जलद तिरंग, तब शुभ नामे जागे हम तुम्हारे नाम की शुभकामनाओं के लिए, तब शुभ आशीष मांगे आशीष मांगते हैं, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जॉर्ज पंचम ने जब ये सुना तो उसको अर्थ तो समझ में नहीं आया, फिर उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया तो जॉर्ज पंचम का स्टेटमेंट था कि इतनी खुशामद तो मेरी इंग्लैंड में भी कोई नहीं करता, बहुत
बहुत खुश हुआ जॉर्ज बच्चन, कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बुलाओ मेरे पास लेके आओ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को परिचय कराया गया। अंत में जॉर्ज पंचम जब विदा हुआ तो उस समय की वो नोबल प्राइज कमेटी का चेयरमैन भी था, तो उसने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम नोबल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया, क्योंकि वो उनके गीत से प्रभावित था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए संकट खड़ा हो गया कि जिस गाने को वो खुद अच्छा नहीं मानते, दबाव में लिखा हुआ है, उसी पर नोबल प्राइज मिल रहा है। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि कम से कम एक कृपा करो मेरे ऊपर कि पूरे देश में ये प्रचारित करो कि मेरी गीतांजलि पर ये मिल रहा है नोबल पुरस्कार। तो हम सब जानते हैं कि गीतांजलि पर नोबल प्राइज मिला है, गीतांजलि में कोई दम नहीं है कि उसको नोबल प्राइज दिया जा सके। मैंने गीतांजलि कई बार पढ़ी है, ऐसा कुछ दम नहीं है। उससे ज्यादा अच्छी कविताएं इस देश में बहुत सारे कवियों की लिखी गई हैं, लेकिन छुपा दिया उन्होंने इसको और पूरे देश में प्रचारित कर दिया कि यह गीतांजलि पर मिल गया। वास्तव में हुआ यह था कि जॉर्ज पंचम का इतना चाटुकारिता भरा गान जो गा दिया, उस पर वो खुश होकर नोबल प्राइज दे गया। गांधी जी को जब यह सच्चाई पता चली तो 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने बहुत कड़क पत्र लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो पत्र आप पढ़ेंगे तो रो देंगे। इतनी गालियां सब भी शब्दों में वो दे सकते थे, वो उन्होंने दिया। फिर खुद गांधी जी मिलने गए कि तुम अभी तक अंग्रेजों की स्वामी भक्ति में डूबे हुए हो, अभी भी उनका सहयोग कर रहे हो, ये हमारे भारत के लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कब इनका साथ छोड़ोगे। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधियां वापस की और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया। 1919 के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे गए लेख सब अंग्रेजी सरकार के समर्थन में हैं। फिर 1919 के बाद उन्होंने जो लेख लिखे हैं वो थोड़े थोड़े उनके विरोध में गए। तो जनगणमन ऐसा गान है जो उन्होंने लिख दिया जॉर्ज पंचम के लिए, और हम हिंदुस्तानियों ने पंडित नेहरू के कहने पर उसको राष्ट्रगान बना लिया। जबकि 318 सांसद संसदीय समिति जो थी ना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 318 लोग, वो कहते थे कि वंदे मातरम होना चाहिए, अकेले नेहरू जी कहते थे जनगणमन होना चाहिए। और नेहरू जी माने वीटो उस जमाने का। आप में से बहुत सारे बुजुर्ग जिन्होंने नेहरू जी को देखा है यहाँ हैं। नेहरू जी माने वीटो, नेहरू जी ने जो कहा वही कानून, नेहरू जी ने कहा वही आदेश, नेहरू जी ने कहा वही कैबिनेट का फैसला। और जो नेहरू जी ये धमकी दें कि मैं सरकार छोड़ रहा हूं तो पूरी कांग्रेस हिलना शुरू हो जाती थी। उस जमाने में इंडिया इज नेहरू, नेहरू इज इंडिया ये नारा, बाद में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा ये नारा। तो इस तरह का वो था, जैसे नीरो के समय में, जैसे क्लॉडियस के समय में, वैसे ये। तो नेहरू जी का कहना माने अंतिम वाक्य तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि भाई यही ठीक है। फिर इन्होंने तब तक इसको लटका कर रखा जब तक गांधी जी की हत्या नहीं हुई। गांधी जी की हत्या के बाद इसको पिटारे में से निकाल लिया और जनगणमन को राष्ट्रगान घोषित किया। अब विद्रोह की स्थिति ना आए पूरे देश में तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया कि भाई ये भी चले और ये भी चले, वो जो क्या कहना, दोनों को संतोष रहे। तो ये है इतिहास। और आज हिंदुस्तान की सरकार ने एक सर्वे किया है पूरे हिंदुस्तान का, और वो रिपोर्ट अभी आई है थोड़े दिन पहले, अर्जुन सिंह की मिनिस्ट्री में है। वो रिपोर्ट में ये पूछा गया था भारत के लोगों से कि आपको कौन सा गाना ज्यादा पसंद है, जनगणमन या वंदे मातरम। 98.8% लोगों ने कहा है वंदे मातरम। फिर अभी थोड़े दिन पहले बीबीसी ने एक सर्वे किया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने एक स्पेशल फीचर बनाया है वंदे मातरम पर जो आजकल दिखाया जा रहा है लंदन में। तो बीबीसी ने एक सर्वे किया है कि जहां जहां भारतवासी रहते हैं दुनिया में उनसे पूछा जाए, तो उन सर्वे में से 99% लोगों ने कहा है वंदे मातरम। और बीबीसी के सर्वे से एक नई जानकारी मिली है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय गानों में वंदे मातरम दूसरे नंबर पर है। दुनिया में बहुत सारे देश इसको समझते नहीं है, लेकिन इसकी जो लय है ना और इसका जो संगीत है, वो कहते हैं कि ये हम में जज्बा पैदा कर देता है। इसमें संगीत और लय देने का काम किया था पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे हम सब जानते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इसकी लय बनाई, और इसमें ये जो आज जिस लय में हम गाते हैं ना, ये उनकी दी हुई है विष्णु दिगंबर पलुस्कर की। उन्होंने ये लय बनाकर गाना शुरू किया, और बीच में जो संगीत भरा गया है वो भी उन्हीं के समय का है। बाद में ये वंदे मातरम लता मंगेशकर ने गाया, आशा भोसले ने गाया, थीम वही है जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर की है। तो ये इतिहास है वंदे मातरम का, और उसके साथ है जनगणमन का। अब हम तय करें क्या गाना है। वंदे मातरम।